हमारे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं उनको कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए, तो आप सबसे नीचे से शुरू करें, कौन कौन से गेमिंग कंसोल हैं बताएं। सबसे कम जो है वो गेमिंग जो स्टार्टिंग होती है गेमिंग पर्पज से वो ये है प्ले स्टेशन 2। ये हमारा पैकेज इस वक्त चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को 160 GB की हार्ड ड्राइव, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन 50 और 60 गेम का आप अंदाज़ा लगा लें, 60 गेम इसमें डाउनलोड हुए हुए होंगे, ठीक है। और ये जो कंसोल है कंप्लीट सामान के साथ हार्ड ड्राइव के साथ, ठीक है, ये 7000 की मशीन है। 7000 में गेमिंग मशीन मिल जाएगी, गेमिंग मशीन प्लस 60 गेम्स। गुड हो गया यार ये तो, मतलब फैसल भाई, मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी यार 20-25 हज़ार में तो होना चाहिए, कम से कम उससे कम में नहीं मिल सकते ना। लेकिन ये हमने एक पैकेज बना के रखा हुआ है, बड़ा अच्छा पैकेज है जिसमें आपको गेम्स भी मिल रहे हैं, 60 गेम्स 60 गेम्स पूरा यानी कंसोल मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग मौजूद हैं रैम्बो सेंटर पे, सदर डीवीडी के नाम से शॉप है, शॉप नंबर G112, और यहाँ पे होते हैं फैसल भाई। यहाँ आने का ख़ास मकसद ये है गाइस कि जो भी गेमिंग कंसोल्स वगैरह PS4 PS5 Xbox वगैरह इससे रिलेटेड भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने कहा चलें आज यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से गेमिंग कंसोल्स हैं। चलिए फैसल भाई से मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम फैसल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फैसल भाई, आज आपके पास आने का मकसद ये है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार गेमिंग पे भी कुछ वीडियोस बनाएं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है यश टेक एंड गेमिंग, तो उसमें हम टेक से रिलेटेड तो वीडियो डाल ही रहे होते हैं, तो हमने सोचा कुछ गेम पे बनाते हैं। तो आपकी शॉप काफ़ी यहाँ पे मशहूर है, तो फैसल भाई बताइए कि हमें, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं उनको कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए, बिल्कुल। सबसे नीचे से शुरू करें, कौन कौन से गेमिंग कंसोल हैं बताएं। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी शॉप को मशहूर कहा। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ, और अल्लाह का करम है कि मेरी कोशिश जो है ये अच्छी तरीके से मैं जो इसको फॉलो कर सक रहा हूँ अपनी कोशिश को। और दूसरी बात ये है कि सबसे कम जो है वो गेमिंग जो स्टार्टिंग होती है गेमिंग पर्पज़ से वो ये है प्ले स्टेशन 2। ये है प्ले स्टेशन 2 है, ये स्टार्टिंग है अच्छी ग्राफिक्स के हवाले से, जो अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं उसके लिए। ये हमारा पैकेज इस वक्त चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को 160 GB की हार्ड ड्राइव, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन 50 और 60 गेम का अंदाज़ा लगा लें, 60 गेम इसमें डाउनलोड हुए हुए होंगे, ठीक है। और ये जो कंसोल है कम्प्लीट सामान के साथ हार्ड ड्राइव के साथ, ये 7000 की मशीन है। 7000 में गेमिंग मशीन मिल जाएगी, गेमिंग मशीन प्लस 60 गेम्स। गुड हो गया यार ये तो, मतलब फैसल भाई, मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी यार 20-25 हज़ार में तो होना चाहिए, कम से कम उससे कम में नहीं मिल सकते ना। लेकिन ये हमने एक पैकेज बना के रखा हुआ है, बड़ा अच्छा पैकेज है जिसमें आपको गेम्स भी मिल रहे हैं, 60 गेम्स 60 गेम्स पूरा यानी कंसोल मिल रहा है जी, पूरा कंसोल। अच्छा अब यहाँ पे मेरा एक सवाल ये आ जाता है कि PS2 बता रहे हैं आप जी, ऐसा तो नहीं होगा मैंने PS2 लिया मुझे उसकी सीडीज नहीं मिलेंगी? सीडीज का तो सिस्टम हमने खत्म ही कर दिया ना, अब हमने हार्ड ड्राइव लगा के दे दी है, हार्ड ड्राइव में 60 गेम्स दे दिए आपको। गुड हो गया, तो अब 60 गेम जब आप खेल लेंगे दोबारा हार्ड ड्राइव लिए, हम आपको दोबारा गेम्स भर देंगे इसके अंदर रीजनेबल पैसों के अंदर। ये चीज हो गई ना, ये बेहतरीन गाइस, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग एक बेहतरीन ऑफर हो गई कि 7000 रुपए में PS2 का मजा ले सकते हैं आप, उसमें आपको हार्ड ड्राइव भी काफी बड़ी मिल रही है, फिर गेम्स भी मिल रहे हैं और रिफिल भी गेम्स करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, का क्या प्रोसीजर होगा? रिफिल को इतना बड़ा खर्चा नहीं है, 50 रुपए गेम के होते हैं। अच्छा। आप लाएंगे जिधर कोई 5 गेम डलवाता है, कोई 10 डलवाता है, 50 के हिसाब से हम लोग डाल देते हैं। छोटा सा सवाल और यहाँ पे आ गया फैसल भाई मेरा, कि ये लेटेस्ट गेम मिलेंगे या पुराने वाले? देखिए PS2 जो कंसोल है ये तकरीबन 10 से 12 साल हो गए, इसमें नए गेम नहीं आते, रुका हुआ है, तो इसके अंदर एक तकरीबन एक वैरायटी है 400 से 500 गेम्स की, यहाँ मेरे पास लगी हुई है, ये आप कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि ये देखें ये गेम्स की वैरायटी लगी हुई है, ये इसी के गेम्स है, ये PS2 के गेम्स है, ये सारे
500-600 गेम्स इसमें अवेलेबल हैं, वो आप अपनी मर्जी के डलवा सकते हैं इसके अंदर। बेहतरीन हो गया, चले 7000 में बंदा मजे तो ले सकता है ना। इसके गेमिंग स्टार्टिंग है, इससे ऊपर अगर और ऊपर जाए, इससे ऊपर फिर आता है एक्सबॉक्स, वो लगा हुआ ये आ गया एक्सबॉक्स 360। ये कितने जीबी वाला? देखें ये 250 GB है, ये स्लिम मॉडल है। ठीक है, ये अगर आप लेंगे एक वायरलेस कंट्रोलर के साथ, ठीक है, तो ये 20,000 की मशीन है। ये 20,000 में मिल जाएगा? हाँ, 250 GB, इसमें 40 गेम्स डाउनलोड होंगे। ठीक है, तो 250 GB वाला गाइस एक्सबॉक्स 360, जिस टाइम मैंने इसके बारे में पहली दफ़ा सुना था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना सस्ता ले लूँगा, तो 20,000 में आपको मिल रहा है। अच्छा, ये यूज्ड होते हैं ना? स्लाइडली बाहर से इंपोर्ट आते हैं, आप नए तो ये मिलते नहीं है। नए आते हैं लेकिन वो फिर वो जेल ब्रेक वाले जो सिस्टम जो है ना, जिसमें ये हार्ड ड्राइव लगी हुई है, गेमें डली हुई है, वो प्रोसेस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो फिर ओरिजिनल डीवीडी खरीदनी पड़ेगी, वो वाले आते हैं नॉन जेटेक। चले 20,000 में ये मिल रहा है भाई 250 GB का। अच्छा, इसमें के लिए सीडीज वगैरह लेनी होती है? नहीं, इसमें भी 40 गेम्स डाउनलोड हैं। अच्छा। और सीडीज भी इसमें आप यूज कर सकते हैं, इसका लेंस भी प्रॉपर ओके होगा। तो ये तो मतलब गुड हो गया कि 40 गेम्स के साथ मिल रही है। 40 गेम्स भी है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें बड़े बड़े गेम्स आते हैं, जैसे GTA 5, कार रेसिंग के जो नीड फॉर स्पीड के जो वर्जन है, रेसलिंग के जो वर्जन है, फीफा 19 वगैरह सब इसमें अवेलेबल है, वो सब इसमें मिल जाएंगे आपको। लेकिन अभी के लेटेस्ट इसमें वो नहीं मिलेंगे, उसमें वो सिर्फ एक ही मशीन में इस वक्त आते हैं, वो ये है PlayStation 4। और ये जो एक्सबॉक्स वालों का आता है, वन आता है, कौन सा आता है? एक्सबॉक्स वाला वन जो है वो भी आता है, लेकिन वो अभी इस वक्त में वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके प्राइसेस जो है वो 30,000 से स्टार्टिंग है। चलें अभी उस पे आते हैं हम। मुझे ये बताइए फैसल भाई, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है 20,000 में, जिसमें आपको 40 गेम्स डाउनलोड मिल रहे हैं, यानी इनिशियली बंदे ने जाना है प्लग एंड प्ले करना है, प्लग एंड प्ले करना है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं? अब इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो फिर आता है PlayStation 4। ठीक है ना, PlayStation 4 तो अभी रिसेंट गए, इतना पुराना भी नहीं है, PS5 आया अभी रिसेंटली। PS4 के अंदर दो कंसोल आते हैं, एक 1 TB है, 500 GB है। इसमें मैं मुख्तलिफ प्राइसेस में जो कंसोल है वो उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, एक आजकल जो लोगों की डिमांड है जेल ब्रेक की, कि यार हम मशीन ले तो हमें गेमें भी साथ मिल जाए। ठीक है, तो ये जेल ब्रेक मशीन है, जेल ब्रेक सील्ड है, नॉन रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग वाला माल कोई भी नहीं है मेरे पास, ना एक्सबॉक्स ना PS2 कोई भी नहीं, सब नॉन रिपेयरेबल है। ये नॉन रिपेयरेबल मशीन सील्ड है, 10 out of 10 कंडीशन, इसमें 7 गेम डले हैं। पहले रिपेयरेबल से आपकी क्या मुराद है? कोई भी काम नहीं हुआ हुआ, कोई काम नहीं हुआ हुआ, रिपेयर नहीं हुआ पहले, बिल्कुल 10 out of 10 कंडीशन मिलेगी। ये 46,000 की मशीन है जेल ब्रेक की, इसके अंदर 7 से 8 गेम डले हुए होते हैं और वन क्लिक पे चलेगा, कोई रीस्टार्ट नहीं होती मशीन, स्टेबल सॉफ्टवेयर इसका और सारे लेटेस्ट गेम अपनी मर्जी के। यानी 40 कितने बताए आपने? 46 6000 बताए यूज्ड में ना, अगर नए में जाते हैं तो फिर तो नया, देखिए ये आपको बता दूं मैं, नया जो कंसोल है वो 70,000 की सिर्फ मशीन है, ठीक है, विदाउट जेल ब्रेक, कोई इसमें जेल ब्रेक नहीं, कोई गेमें नहीं होंगी, सिर्फ 70,000 रुपए की मशीन है। जेल ब्रेक कराएंगे, फिर कराएंगे तो 4 से 5,000 रुपए का खर्चा है, गेमें सब वो अलग है, बिल्कुल। तो ये सब तैयार मिलेगी 46 के अंदर आपको, आधे पैसों के अंदर ही आपको सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, इसमें PS4 में तो पबजी वगैरह भी मिल जाएगा? सब मिलेगा, सब आपको सब मिल जाएगा, सब मिलेगा। तो 46 में जो है यूज में स्लाइडली यूज आपको मिल जाएगा, ओके हालत में, जेल ब्रेक हालत में PS4, जिसमें आप जितने भी लेटेस्ट गेम है वो खेल सकते हैं, सिवाय PS5 वाले, PS5 के लिए फिर PS5 ही लेना पड़ेगा आपको। तो ये भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो यूजर PS5 यूज करते हैं, तो मेरे पास ऐसे कितने सारे कस्टमर हैं जिन्होंने मुझसे PS5 बाय किया है, लेकिन वो गेम जो है वो PS4 के ही यूज करते हैं, क्योंकि PS5 और PS4 के गेम सिमिलर हैं आजकल, तो उनके DVD के अंदर प्राइसेस में फर्क है, तो 4 की DVD यूज होती है, तो 4 अभी बंद नहीं हुआ, 4 वर्किंग के अंदर अभी। ठीक है, गुड हो गया। अब इसके और इसके दरमियान में कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर? 46 और 20 के दरमियान में कोई एक आता है PlayStation 3 भी आता है। PlayStation 3 में आपको ये दिखाऊंगा, PlayStation 3 है ये। ये आ गया गाइस PlayStation 3 320 GB है, इसके अंदर भी अच्छे अच्छे गेम्स है, अच्छी ग्राफिक्स के साथ। ठीक है ना, ये इस वक्त 320 GB है, 320 GB, ये आपको मिलेगा तकरीबन, इसके अंदर 16 या 15 गेमें डाउनलोड हुई भी होती है हमारे पास। ये इसके प्राइस है 22,000, 22,000 रुपये, ये 22,000 में मिल जाएगा वायरलेस कंट्रोल, गेमिंग से प्लग इन प्ले नॉन रिपेयरेबल। अभी भी दोबारा कह रहा हूँ मेरी बात के, मेरे पास कोई भी मशीन रिपेयरिंग वाला माल नहीं होता। रिपेयरेबल से मुराद ये गाइस कि रिपेयर नहीं है, रिपेयरेबल का मतलब ये नहीं कि रिपेयर हो नहीं सकता, रिपेयरेबल का मतलब ये रिपेयर नहीं है, ये कहने का मतलब है। मेरा मतलब कोई भी मैं सामान जो दुकान में बेचता हूँ ना, वो मैं बनी हुई चीज़ नहीं बेचता कि इस पे बोर्ड पे टांगे लगे हुए, वो अपना काम है,
और हर मशीन जो मैं बेचूंगा आपको, किसी भी कस्टमर जो मुझसे लेगा, ठीक है, उसकी 15 दिन की चेकिंग वारंटी होगी। 15 दिन की चेकिंग वारंटी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ मैं हल करके दूंगा मसले को। अच्छा गाइस, हमारे जो देखने वाले हैं उनको तो ऑलरेडी ये बात पता है, लेकिन अगर आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आपको पता होना चाहिए कि रिटेलर की डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं और वीडियो के शुरू में, बीच में और आखिर में हम डिटेल देते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। और फैसल भाई क्या बता रहे थे? देखिए, इस पे PS4 के अंदर गेम मॉडल भी आता है, ये फैट वाला मॉडल है, ठीक है, ये भी मेरे पास 500 GB अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है ना। इसके प्राइस होते हैं 36,000। स्लिम वाला जो होता है उसके ज्यादा है, 46 है वो, इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो जेल ब्रेक है, ये नॉन जेल ब्रेक है, ये सिर्फ मशीन सीरीज से चलेगा। तो 36 भी गाइस आपके पास, 36 का भी ऑप्शन है, लेकिन वो जेल ब्रेक नहीं। अच्छा फैसल भाई, मैं चाह रहा था आपसे बाद में अलग किसी वीडियो में सवाल करूं, लेकिन अब जेल ब्रेक बार बार आ रहा है लफ्ज, तो मुझे थोड़ा सा शॉर्टली बता दे, जेल ब्रेक होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जेल ब्रेक का मतलब ये है कि जेल ब्रेक के अंदर आपको जो एक DVD है ना PS4 के, जैसे कि एक नीड फॉर स्पीड है, ये एक DVD कम से कम 3,000 रुपये की होती है, ठीक है। तो ऐसी 7-8 गेम आप खरीदेंगे तो आपका 20-22,000 रुपये का बिल बन जाएगा, ठीक है। जेल ब्रेक में ये फायदा है कि 7-8,000 गेम आपको फ्री मिल जाती है, इसमें सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, अपडेट ना हुआ वो हम सॉफ्टवेयर करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जुगाड़ है, यानी डाउनलोड करके डाउनलोड करके लेकिन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये 6.7 की मशीन ये वाली भी है मेरे पास, ये भी जेल ब्रेक मशीन है, ठीक है। इसमें भी 7-8 गेम डले हुए हैं, ये भी 10 out of 10 कंडीशन है। ये बाजार में ऐसी मशीनें हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 5 से 6 मशीनें हैं, तो ये सब मिल जाएंगी आपको। भाई थैंक यू, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी, मेरा तो दिल चाह रहा है उससे और बातें भी करूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, हम चलते हैं जरा सीडीज वगैरह, थोड़ा सा बता दीजिए कि किसकी कितने में मिल जाएगी। हाँ, सीडीज में आप आ जाएं मेरे पास तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये DVDs लगी हुई है सारी, ठीक है ना, ये लेटेस्ट गेम्स है, ठीक है। साइबर पंक है, ये 5,000 की है, ठीक है। गोस्ट ऑफ तोशिमा ये 6,000 रुपये की है। सकीरो 4,500 रुपये की है, 4,000। GTA 5 3,200 रुपये की है, ठीक है। गॉड ऑफ वॉर ब्रांड न्यू दे रहा हूँ मैं, 3,000 रुपये की, ठीक है। मॉडर्न वॉरफेयर ये 4,000 रुपये की है, ठीक है। FIFA 21 ब्रांड न्यू 4,500 रुपये की है, ठीक है। अवेंजर्स 4,500 की है। Hitman 3 6,500 की। Spider-Man Miles जो है ये 6,000 रुपये की है। लास्ट ऑफ अस 4,500 की। ये है ये रेजिडेंट ईविल का नया पार्ट है विलेज, ये मार्केट में इस वक्त 8,000 रुपये का नया चल रहा है, लेकिन मेरे पास ये अच्छी कंडीशन में यूज़ में आया, ये मैं 7,000 रुपये में दे दूँगा। मैं यही आपसे सवाल करने वाला था फैसल भाई कि कुछ नए देखने वाले होंगे उनको महंगी लग रही होंगी कीमत के 3,000-4,000, तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस है, डिस्काउंटेबल नहीं ये डिस्काउंटेबल प्राइस में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बाज़ार में जो अगर आप नहीं लेंगे तो नहीं इसमें 1,500-2,000 रुपये का फ़र्क मिलेगा आपको, जो यूज़ में हम लोग नई जैसी कंडीशन देते हैं, और सीरीज भी गारंटीड होती है, कोई ख़राब नहीं मिलेगी आपको, लॉस नहीं मिलेगा। अच्छा फैसल भाई, बीच में एक और सवाल, हमारे सब्सक्राइबर अगर आपके पास कोई आता है जी, जी, चैनल का नाम आपको मेंशन करता है यस टेक इन गेमिंग, तो क्या आप कुछ डिस्काउंट वगैरह देंगे? कर दूंगा मैं, जो मेरे बस में होगा, जो मुझसे हो सकेगा, जितना होगा मैं कर दूंगा आपको डिस्काउंट, कोई मसला नहीं है। और बताइए, देखिए इसके अलावा एसएसएस किट वलाला ये है 6,000 रुपये की, ये कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर ये 7,000 रुपये की है, ठीक है। रेजिडेंट ईविल 4,000 रुपये की है। मॉडल कॉम्बैट 11 ये ब्रांड न्यू सीडी है 4,000 रुपये की, ठीक है। 2K20 3,000 रुपये की है। टेकन 7 2,800 रुपये की है, ठीक है। ठीक है गाइस, काफ़ी सारी सीडीज हैं, अगर सबकी प्राइस बताने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए मेरी वीडियो जो है और भी चैनल में मेरी वीडियो बनती है, 2-3 और चैनल में वीडियो बनाता हूँ, और मैं अपनी हर वीडियो में, हर चैनल की वीडियो में यही कहता हूँ कि मैं रिपेयरिंग वाला सामान नहीं बेचता बाज़ार को, बाज़ औकात मार्केट के अंदर जो रिपेयर वाली मशीन बेचते हैं, नकली सील लगा के बेचते हैं, ये काम मैं नहीं करता। 1,000-2,000 हो सकता है मेरे रेट ज़्यादा मिले मशीन पे आपको, लेकिन आपको चीज़ में नुकसान नहीं मिलेगा, इसी गारंटी है, चीज़ ओरिजिनल होती है हमारे पास। अच्छा फैसल भाई, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि कोई सीडी जैसे होता है ना बाज़ औकात की, हमने पुरानी सीडी आपको दी, नई सीडी एक्सचेंज, जिस तरह का सीन है? हाँ बिल्कुल एक्सचेंज है, लेकिन हम लोग सीरीज चेक करके लेते हैं और चेक करके देते हैं कस्टमर को, हर सीरीज को चेक कर लेता हूँ, अपनी मार्किंग कर देता हूँ, हमारी मार्किंग होती है। और इसके अलावा किसी को डिलीवरी वगैरह मंगवानी हो तो हम लोग कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, जी हाँ कैश ऑन डिलीवरी है, कराची के अंदर कैश ऑन डिलीवरी है, कराची से बाहर वालों के लिए एडवांस पेमेंट है, क्योंकि वो बाद में ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए जो है मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है भाई माजर के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कराची से बाहर वाले एडवांस पेमेंट होती है, कराची के अंदर हम कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, करता आ रहा हूँ मैं और कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। फैसल भाई आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मेरा यही कहना है कि अगर किसी को किसी भी रेट के अंदर कोई प्रॉब्लम मिलती है, बाज़ औकात लोग कहते हैं कि रेट ज़्यादा हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं, इससे बेहतर है कि आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा होगा, तो उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा,
आप मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ बाज़ार में इतने की मिल रही है? हो सकता है कभी कभी मुझे ना पता हो, मेरे पास रेट महंगा आया हुआ, तो इससे मेरी रहनुमाई भी हो जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं किसी भी कस्टमर के लिए, और अगर मैं कभी जवाब ना दे पाऊँ तो मैं दुकान पे शॉप पे बिजी भी होता हूँ, तो उससे किसी को रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत बाकी। हाँ, लेकिन ये है कि आप कोई भी रेट के हवाले से कोई भी बात होती है तो आप पहले मुझसे कन्फर्म कर लें कि देखें ये रेट बाज़ार से मिल रहा है, आपके रेट ज़्यादा हैं, तो हो सकेगा तो मैं उसके बराबर कर दूंगा या मेरा जो फंड होगा मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा गाइस, फैसल भाई की आपने बात सुन ली, उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको उसके आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो में फैसल भाई की डिटेल मौजूद है, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। लॉकडाउन है, जिस तरह के मामले आते हैं तो उसमें आप घर बैठे भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।